नागबनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। नागबनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। आपातकाल लगाने वाले संविधान की रक्षा कर नहीं सकते। जनता विरोधी की जिनका रहा है इतिहास, कितने भी चेहरे बदल ले, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं उनको कोट करना चाहता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था अधीर दा ने, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनॉट चलते हैं, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनॉट चलते हैं, सबको एकजुट होना जरूरी है। ये मजबूरी है, पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी इंडिया की आवाज ये उठाते हैं जब विदेश जाकर टू इंडियाज की बात करते हैं। ये कौन सी इंडिया की आवाज उठाते हैं जब गलवान में हमारे सेना के शौर्य और उसी के साथ सर्जिकल स्ट्राइक पर उंगली उठाते हैं। ये कौन से इंडिया की आवाज करते हैं जो कोरोना जैसी भीषण समस्या में राजनीति पर उतर जाते हैं। और आज पिछले दो दिनों से सभापति महोदय, मैं सुन रहा हूं विपक्ष को, कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है। अच्छा है कि आज धर्म की बहुत बायाद आई इनको। कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं, कोई पार्टी तो अपने संकल्प पत्र में डाल रहे हैं कि राम वन गमन पथ का हम संकल्प करते हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। हमारी देश की आज 140 करोड़ जनता की आस्था और पीढ़ियों की सपना, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं। आज इनको मैं कहना चाहता हूं कि तीसरी बार भी, दो बार आपको रिजेक्ट किया है, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहां स्थापित होगी। जी धन्यवाद। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चल चुका है अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर। विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप इस सत्य को अपने झूठ के साथ पराजित नहीं कर सकते। मैं अंत में चार लाइन करके अपना बात समाप्त करता हूं। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। नागफनी पुष्प दे नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते। आपातकाल लगाने वाले संविधान की रक्षा कर नहीं सकते। जनता विरोधी की जिनका रहा है इतिहास, कितने भी चेहरे बदल ले, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते।